अजमेर गरीब नवाज ख्वाजा की नगरी, अजमेर ख्वाजा की नगरी दरगाह पे पहुंचने वाली है झांकियाँ, बिल्कुल ही पास में है और 26 नंबर झांकियाँ पहुंचने वाली है बिल्कुल दरगाह के पास। बेहतरीन स्वागत हो रहा है दरगाह के पास और आप देख रहे हैं किस तरीके से ये एक एकता का मैसेज दिया गया है यहाँ पे दरगाह बाजार के व्यापारियों की द्वारा और दरगाह कमेटी की द्वारा। दरगाह कमेटी की ओर से भव्य स्वागत किया गया है और यहाँ पे आप देख रहे हैं कितना शानदार दरगाह के यहाँ पे स्वागत किया जा रहा है। सारे गजबी तरीके से खुश है यहाँ पे सब बहुत ही खुश है। यहाँ पे बहुत ही अच्छा डांस करा जा रहा है, अपनी खुशी का इजहार करा जा रहा है नाच करके। सब बहुत प्रसन्न है, सारे यहाँ पे स्वागत भी कर रहे हैं रैली का और उसके बाद यहाँ पे सारे के सारे कर रहे हैं। आप देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ पे आया के यहाँ पे पहुँच रहे हैं और उसके बाद यहाँ पे इतना भव्य स्वागत किया गया है। एक एक दुकान देखिए दरगाह बाजार की एक एक दुकान हो या कुछ भी हो, अच्छा स्वागत किया जा रहा है यहाँ पे और पूरा सारा का सारा अरेंजमेंट बहुत प्यारा है। प्रशासन का अरेंजमेंट बहुत अच्छा है, प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है यहाँ पे। दरगाह कमेटी की ओर से इतना शानदार स्वागत किया गया है यहाँ पे। हम यहाँ अभी दरगाह पे खड़े हैं, आप देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ दरगाह पे चेटी चंद के जुलूस का स्वागत किया गया है और अन्य लोगों का स्वागत किया जा रहा है यहाँ पे। बहुत ही जो देखने वाला माहौल है वो देखते ही बनता है। यहाँ एकता का काम किया जा रहा है, एकता का प्रतीक दिया जा रहा है। यहाँ पे सब भाई एक दूसरे को गले मिल रहे हैं, शोल उड़ा रहे हैं और यहाँ पे दरगाह गरीब नवाज के यहाँ पे दस्तारबंदी की जा रही है सबकी। और यहाँ पे बहुत ही अच्छा माहौल आप देख सकते हैं, एकता का परिचय दिया जा रहा है यहाँ पे दरगाह कमेटी की ओर से और भव्य स्वागत किया जा रहा है चेटी के जुलूस का। इसी से पता चलता है कि हमारे अजमेर में एकता का कितना बड़ा ये गढ़ माना जाता है अजमेर, जहाँ पे सारे हिंदू मुस्लिम भाई एकता का परिचय देते हैं और यहाँ पे सब आज भाईचारे की ओर से दस्तारबंदी की जा रही है और यहाँ पे सब जुलूस का इतना भव्य स्वागत किया जा रहा है, पुष्प की वर्षा की जा रही है। यहाँ पे देखते ही माहौल बन रहा है, आप बहुत अच्छा यहाँ पे देख सकते हैं। साथ ही जहाँ भी जुलूस जा रहा है वहाँ पे बहुत अच्छे से इनका स्वागत किया जा रहा है। जहाँ जहाँ जुलूस जा रहा है वहाँ पे सब देखने के लिए लोग खड़े हुए हैं, अपने मोबाइल में ये दृश्य कैद करना चाहते हैं, ये पल छोड़ना नहीं चाहते, अपने मोबाइल से कैद करके रखना चाहते हैं कि आगे कभी भी अपने दिखाए घर वालों को बच्चों को तो उनको पता लगे कि यहाँ पे कितना अच्छा मौका है यहाँ पे। देखिए सारे दरगाह कमेटी के अंजुमन के मेंबर यहाँ पे खड़े हुए हैं और यहाँ पे सारे भाई एकता का मैसेज दे रहे हैं और सारे यहाँ पे एकता का परिचय दे रहे हैं और जुलूस का जिस तरीके से स्वागत किया जा रहा है ये आप मानिए कि अजमेर में ही ऐसा नज़ारा देखा जा सकता है, पूरे विश्व में ऐसा नज़ारा आप कहीं नहीं देख सकते हैं जो यहाँ पे भाईचारे का और एकता का यहाँ पे संदेश दिया जा रहा है। उर्स मेला भी चल रहा है इस बार चेटी चंद का जुलूस निकल रहा है। आज चेटी चंद का दिन है, उसी दिन आज यहाँ पर उर्स मेला भी शुरू हुआ है और उर्स मेला चल रहा है यहाँ पे कि बहुत ही बढ़िया तालमेल। देखिए उर्स की मेले की पब्लिक भी यहाँ पे आए, जायरीन भी यहाँ पे आ रखे हैं और साथ ही जायरीन भी देख रहे हैं ये जो आकर्षक जो जुलूस निकल रहा है और उसको महसूस कर रहे हैं कि कितना शानदार जो पूरे भारत में विश्व में कितना बढ़िया जो जुलूस निकलता है उसको सब महसूस कर रहे हैं यहाँ पर। सर बताइए किस तरीके आज यहाँ पे स्वागत किया गया है जुलूस और क्या एकता, हमारे सेक्रेटरी साहब से ले लो, 1980 से हमारी मौलाई कमेटी करती है। खारे साहब के दरबार में रोजाना एकता दिखाई देती है, लेकिन ये बड़े खुशी की बात है कि खारे साहब का उर्स भी शुरू हुआ और चेटी चंद का जुलूस भी है, तो आज डबल खुशी स्टार्ट हुई है, दो पर्व एक साथ हुए हैं, खुशियाँ और बढ़ गई है। हम सभी लोग मिलकर खुदाम खारा साहब मोलाई कमेटी की जानिब से 1980 से जो स्वागत करते हैं, आज ऐसा समय हुआ कि उसके साथ ये पर्व भी आ गया। क्या मानते हैं जायरीन भी आ रहे हैं, वो भी आज इस मौके को देख रहे हैं और कई जने अपने मोबाइल में कैमरे में कैद भी कर रहे हैं इसी चीज को, समझे अच्छा जाएगा। पूरे मुल्क को जो खारा साहब के मानने वालों सभी ऐसे ही है, जितने खारा साहब को मानते हैं वो सूफी ऐसे ही यही नहीं बल्कि पूरे दुनिया में ऐसे ही रहते हैं
या उनके लिए अनोखी बात नहीं, फिर भी आगे देखेंगे कि खारा साहब के दरबार में यो रहा तो और अपने घर पे आगे करेंगे। यही शिक्षा है खारा साहब। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में सभी धर्म के लोगों के साथ साथ यहाँ पे सभी धर्म के लोगों का जुलूस निकलता है। उसमें आज चेटीचंद के अवसर पर खुद्दाम ख्वाजा साहब की जानिब से, पूरे मुसलमानों ने अजमेर की जानिब से सभी चेटीचंद के अवसर पर सभी लोगों को, जो सिंधी भाई हैं, इन सब लोगों को इनकी दस्तारबंदी करके इनका इस्तकबाल किया जाता है, इनका स्वागत किया जाता है। सभी धर्म के लोगों का आका गरीब नवाज के दरबार में जो भी त्यौहार, जो भी जुलूस निकलते हैं उनका इस्तकबाल किया जाता है। इसी के तहत आज चेटीचंद के अवसर पर सभी मुसलमान खुद्दाम ख्वाजा साहब की जानिब से यहाँ पे एक जुलूस का शारो शोकत के साथ इस्तकबाल किया गया, जो सांप्रदायिक सद्भावना के नाम से अजमेर जाना जाता है। इसी के हिसाब से आज आका गरीब नवाज के दरबार में सांप्रदायिक सद्भावना की झलक देखने को मिलती है ऐसे स्वागत से। आज चांद रात का अवसर है, उरास का आगाज हो गया, इसी के साथ दरगाह की भी परंपरा शुरू हो गई और आज चेटीचंद का नया साल होता है और रजब का भी नया साल होता है। इसके साथ सांप्रदायिक सद्भावना का आका गरीब नवाज के दरबार से जो एकता का मंजर दिखता है, जुल्फिकार चिश्ती अध्यक्ष, ये हमारे जो देश की पहचान है, संस्कृति की पहचान है, ऐसे आका गरीब नवाज के दरबार में आज दोनों त्यौहार, जो हमारा रजब का महीना आका गरीब नवाज का 804वां उर्स और चेटीचंद का उर्स, ये चेटीचंद का जो जुलूस है ये एक सांप्रदायिक सद्भावना की मिसाल माना जाता है। इसीलिए जुल्फिकार चिश्ती अध्यक्ष गरीब नवाज मिशन सोसाइटी। आज आप यहाँ देख सकते हैं उर्स मेले के कारण यहाँ पे दरगाह बहुत ही शानदार लाइटनिंग करी गई है यहाँ पे दरगाह में, और जो भी जायरी नारे हैं उनको ये चमचमाती हुई दरगाह जो बिल्कुल लाइटनिंग से रोशन हो रखी है, बहुत अच्छी लग रही है। और इसका देखने से ही इतना नज़ारा अच्छा लग रहा है ये कि सारे जायरीन बहुत खुश है दरगाह को देख करके, दरगाह के बाहर के रूप को देख करके कि कितना सुंदर नज़ारा उनको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे अच्छी लाइटनिंग कर रही है, अच्छा यहाँ पे लोगों का मन मोह रही है लाइटनिंग और चमचमा रही है दरगाह। और जो यहाँ चेटीचंद के जुलूस में यहाँ से निकल रहा है दरगाह के बाहर से, उनको भी अच्छा लग रहा है दरगाह के बाहर आकर के कि उर्स का भी मेला शुरू हुआ है और यहाँ पे दरगाह को भी देखने को मिल रहा है। आज दोनों कॉम्बिनेशन मिल रहे हैं उनको कि यहाँ पे आपको दरगाह भी देख सकते हैं कितनी अच्छी तरीके से चमचमा रही है, कितनी अच्छी लाइटनिंग करी गई है। जो भी आज यहाँ पे चेटीचंद के जुलूस से आ रहा है उनको बहुत खुशी हो रही है कि यहाँ पे जुलूस देखे और उनको दरगाह पे उर्स के मौके पे उनको भी देखने को मिल रहा है यहाँ पे। चेटीचंद का यहाँ पे जुलूस आ रहा है, एसपी साहब खुद मौके पे यहाँ पे खड़े हुए हैं दरगाह बाजार में, पूछते इनसे क्या इंतजाम थे। देखिए यहाँ पर बहुत अच्छी परंपराएं हैं यहाँ पर दरगाह शरीफ के बाहर, जो चेटीचंद के जुलूस के जो भी शामिल हो रहे हैं उसमें सिंधी समाज के लोगों का स्वागत किया जा रहा है। बहुत ही अच्छा मिक्स ऑफ बोथ दी रिलीजन्स जो है वो देखने को मिल रहा है। काफ़ी सुव्यवस्थित तरीके से यहाँ से झांकियाँ निकल रही हैं और समस्त झांकियाँ जो हैं अभी, जैसे अगला सिरा शायद दिल्ली गेट पहुँचने वाला होगा और पिछला सिरा जो है अभी मदार गेट के आसपास चल रहा है। काफ़ी लंबा जुलूस है जिसको सभी जो अजमेर के निवासी हैं अच्छे तरीके से इसको मनाया जा रहा है। इधर चेटीचंद का जुलूस चल रहा है, उधर उर्स भी क्योंकि यहाँ चांद दिख गया तो उर्स भी ऑफिशियली अनाउंस हो गया है, तो बहुत ही अच्छा यहाँ पर अभी सिस्टम चल रहा है। सर, आप इस जिले के एसपी हैं और आप अपना भी कितना गौरवान्वित महसूस करते हैं इस तरीके की एकता देख करके कि यहाँ पे आपको जो देखना। देखिए यहाँ पर बहुत ही अच्छा सिस्टम है और मैं चाहूँगा कि इसको, क्योंकि ये एक कौमी एकता का मिसाल के रूप में देखा जा सकता है, और मैं चाहूँगा कि यहाँ पर जैसे लोग इस ऐसे पर्वों को मनाते हैं और आगे भी इसे मनाते रहें। और अब जैसे हम देख रहे थे कि जितने भी लोग ये सिंधी समाज के भी लोग आ रहे थे वो निज़ाम गेट की तरफ मुड़ के और वहाँ पर भी नमस्कार करके हुए निकल रहे थे, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है कि यहाँ दोनों समाज के लोग एकजुटता से रहते हैं और एकजुटता से ही यहाँ सभी त्योहारों का मनाते हैं। देखिए हमारी तो व्यवस्था बनाना हमारी ड्यूटी है, हम इसको लगातार बनाते भी रहे हैं, पूर्व में भी ऐसे ही रहता है। हमारा सिपाही जो है वो जो खाकी वर्दी जब खड़ी रहती है तो वो सभी मुस्तैदी से ड्यूटी करते हैं और हम चाहते हैं कि इसे ड्यूटी जो है वो और अच्छे तरीके से की जाए और जो भी ये जुलूस होते हैं, जो भी पर्व होते हैं, अच्छे पब्लिक अच्छी तरह से मनाएं, इसलिए हम यहाँ पर खड़े रहते हैं और अच्छे से ड्यूटी देते हैं।
यहाँ पे एसपी साहब खुद यहाँ पे ड्यूटी पे है, साथ ही डिप्टी चूनाराम जाट जी यहाँ पे है, राजेश मीणा जी यहाँ पे है, सारे आला अधिकारी यहाँ पे जुलूस की निगरानी कर रहे हैं और यहाँ पे जुलूस का कमान संभाले हुए है दरगाह बाजार में। यहाँ पे पूरे अपने जुलूस के कमान संभाले हैं और अपने जीते के अधिकारी है उनको यहाँ पे संभाले हुए। देखिए आप झाकिया यहाँ पे दरगाह बाजार में पहुँच गई है, दरगाह के बिल्कुल सामने यहाँ पे झाकिया पहुँच चुकी है और यहाँ पे भव्य स्वागत दरगाह कमेटी अंजुमन कमेटी की ओर से यहाँ पे किया जा रहा है। यहाँ पे दस्तारबंदी की जा रही है जितने भी यहाँ पे जुलूस में शामिल आए सिंधी भाइयों की यहाँ पे, और यहाँ पे शानदार बेहतरीन आप झांकी देख सकते हैं राधा किशन की, राधा किशन का दरबार देखिए कितना बेहतरीन सजाया हुआ है, फूलों से पंछी यहाँ पे बैठे हुए हैं। राधा किशन की बेहतरीन झांकी यहाँ पे देखने को मिल रही है आपको, किस तरीके से बेहतरीन झांकी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके जो यहाँ पे आए जितने भी जायरीन हैं उनका भी यहाँ पे ये आकर्षण कर का केंद्र है झांकी जो ये यहाँ पे बहुत बोल रही है। भगवान झूलेलाल जी की झांकी बिल्कुल आप देख रहे हैं दरगाह के सामने से जाती हुई, सबका मन मोह रही है झांकी, बड़े ही सुंदर झांकी यहाँ पे सजाई हुई है, घोड़े पे सवार भगवान झूलेलाल जी की झांकी दरगाह के यहाँ से निकल रही है। सभी जितने जायरीन हैं वो भी बेहतरीन ये झांकी देखने के लिए खुश हो रहे हैं और सारे फोटो में कैद कर रहे हैं झांकी को, सब खुश हो रहे हैं कि इस झांकी को कैद कर रहे हैं जिससे यहाँ पे झांकी कर सके। भगवान झूलेलाल की बेहतरीन झांकी यहाँ पे दरगाह के सामने देखी जा रही है जो यहाँ पे सबका मन मोह रही है और ये बहुत ही बढ़िया झांकी यहाँ पे देखी जा रही है। जितने भी जायरीन हैं वो स्पेशली कैमरा अपना निकाल रहे हैं और फोटो खींच रहे हैं जिससे वो इस नज़ारे को कैद कर सके और आने वाले समय में अपने घर वालों को सबको दिखा सके कि इतनी ऐसे समय पे वो वहाँ अजमेर आए थे, जो जायरीन है वो अपने घर वालों को सबको बता सके कि वैसे समय पे अजमेर आए थे जहाँ पे चेटी चंद का जुलूस भी देखा गया उनकी ओर से और उर्स का मेला भी चल रहा था। ये मानिए आप कि जो भी जायरीन अजमेर आएंगे दरगाह ख्वाजा गरीब नवाज के उनके लिए ये एक ऐतिहासिक पल होगा जो उन्होंने चेटी चंद का जुलूस भी देखा होगा दरगाह के बाहर दस्तारबंदी दरगाह कमेटी मेंबर्स की ओर से देख करके। यहाँ पे सारे के सारे जितने भी हैं उन्होंने देखी होगी कि हमारे दरगाह में कितना भाईचारा है, कितनी एकता है और यहाँ पे आप देखिए सारे के सारे जितने भी हैं लोग आ रहे हैं इस चेटी चंद के जुलूस को वो देखना चाहते हैं, आगे होकर के पूछ रहे हैं अपने लोगों से कि क्या किस तरीके से जुलूस की तैयारी की जाती है, क्या इस तरीके से हर वर्ष यहाँ पे इतनी बेहतरीन सुविधा मिलती है और इतना बेहतरीन ये झांकियाँ निकाली जाती है। मेले में आए और जुलूस भी देख रहे हैं कितना अच्छा है, काफ़ी अच्छा है एक्चुअली, सब मिलजुल के अच्छे चल रहे हैं उसमें काफ़ी खुशी की बात है एक्चुअली, ऐसी रहना चाहिए एक्चुअली। क्या है अपने हिसाब से लोगों को भड़काने का काम करते हैं लेकिन हम अपने हिसाब से चले तो बेटर है, ऐसी जगह पे कभी वो सब चीज़ होती नहीं है लेकिन लोग क्या आते हैं कुछ लोग अपने फ़ायदे के हिसाब से लोगों को उकसा देते हैं कि आपस में झगड़ा करो करके, लेकिन वो ना करें, जैसे भाईचारा चल रहा है वैसे मिलजुल के रहे, इसी में प्यार बढ़ता है और प्यार बांटो तो प्यार मिलता है। मुंबई से आया हूँ, मोहम्मद निसार। बहुत मज़ा आ रहा है अब जब से यहाँ आए, यहाँ का जो माहौल देखने में मिल रहा है इतना अपनापन है, जैसे आजकल हम लोग न्यूज़ टीवी वगैरह भी देख रहे हैं उसमें हर जात को लेके दंग हो रहा है, कुछ कुछ हो रहा है, पर यहाँ आने पर देखो एक यहाँ हमारे ख्वाजा है, यहाँ इस तरफ है, इस तरह से मराठी लोग का फंक्शन चालू है, इतना मिलाप, इतनी शांति यहाँ देखने को मिल रही है ना, तो मैं भी सोचती हूँ कि भगवान करे, हमारे खुदा हमारे ख्वाजा करे कि सब शांति बनी रहे, इसी तरह चलता रहे। बहुत मज़ा आ रहा है देखने बाद में, क्योंकि अभी हाला में भी सुनने को मिला था कि अभी जैसे देखो मैंने कुछ लोगों के पिटीशन पे देखा है जय माता दी करके लिखा है, भारत माता की जय लिखा है, और अभी इशू हुआ था कि भारत माता मतलब माँ अपनी बोलना ही नहीं है, जिसको जो बोलना है वो बोल सकता है करके, हर खासे हर जिसको जो जिसको माँ बोलना है वो माँ बोले, जिसको हिंदुस्तान बोलना है बोल दे, हमारे ख्वाजे जो हम ये कहते हैं ना सारे जगह के हुए हैं ख्वाजा है हमारे,
हिंदुस्तान के खजर हम हिंदुस्तानी कहेंगे, पर यहाँ आके जो देखने मिल रहा टी शर्ट के ऊपर लिखा है हमारा तिरंगा है, हम उसका सूट करते हैं उस तिरंगा को और उस पर लिखा है भारत माता की जय, वो उनके लिए ठीक है हमारे ठीक है। और यहाँ पे जो भाईचारा इतना प्यार मोहब्बत है बहुत मजा आ रहा देखने में। मेरा नाम सैयद नजरुल निशा है और मैं मुंबई से आई हूँ राजभवन से। शेषनाग में भगवान विष्णु की झांकी दरगाह के सामने से यहाँ से निकलती हुई बहुत ही सुंदर झांकी है और इतना बेहतरीन नज़ारा यहाँ दरगाह के बाहर देखा जा रहा है। लोग अपने मोबाइल में इसकी फ़ोटो कैद कर रहे हैं जिससे ये आने वाले समय में जहाँ यहाँ से जाए जायरीन तो अपने दूसरे रिश्तेदारों को घर वालों को बता सके कि कितना अच्छी यहाँ पे इन्होंने प्रस्तुति देखी, कितनी अच्छा जुलूस देखा और कितना अच्छा भाईचारा यहाँ पे देखा और अपने आने वाले बच्चों को भी ये बताएंगे, सीख देंगे कि इसी तरीके से भाईचारा बनाए, इसी तरीके से भाईचारा को कायम रखे और अपने देश अपने अच्छे नागरिक होने की बात हमेशा रखे और इसी तरीके से यहाँ पे आप सबकी रक्षा भी करें और सबका सम्मान करें। यहाँ पे बेहतरीन झांकी यहाँ पे एक और दरगाह बाजार के यहाँ से निकल रही है श्री कृष्ण भगवान की झांकी यहाँ पे देखी जा रही है। मुरली हाथ में लेकर के श्री कृष्ण कन्हैया यहाँ पे खड़े हुए हैं, बहुत ही अद्भुत नजारा यहाँ पे देखा जा रहा है। श्री कृष्ण भगवान यहाँ पे खड़े हुए हैं, श्री कृष्ण भगवान मुरली हाथ में लेकर के खड़े हैं, मानो भगवान खुद यहाँ पे अपनी लीला मन प्रस्तुत कर रहे हैं। और यहाँ पे कृष्ण भगवान की झांकी आकर्षण का केंद्र है, सबका मन हो और मन सबकी वाहवाही लूट रही है यहाँ पे झांकियाँ, सबकी वाहवाही लूटी जा रही है झांकियों की ओर से। बहुत ही बेहतरीन झांकियाँ एक से एक निकल रही है आज सचमुच, मानो जो भी जायरीन बाहर से आए होंगे उन इस उर्स मेले में, वो जो भी जायरीन आए होंगे बाहर से उर्स मेले में उनका दिन ही बन गया होगा। उनके लिए ये जो आज का पल है सचमुच ऐतिहासिक पल रहेगा, कुछ सीखने को मिला है उनको। बेहतरीन झांकी यहाँ पे आप देख रहे हैं, मोर पे सवार कन्हैया, बहुत ही अद्भुत नजारा यहाँ पे देख रहे हैं झांकी का। मोर पे सवार है यहाँ पे कन्हैया और इतनी बढ़िया झांकी है, मोर पे सवार है यहाँ पे बिल्कुल दरगाह के यहाँ से जा रही है और आप यहाँ देखिए कितना शानदार नजारा है यहाँ पे। मोर पे सवार है, पंख फहरा रखे है, जो भी देखने वाले हैं उनको बड़ा शानदार पल दिख रहा है, शानदार झांकी यहाँ पे दरगाह।
और बेहतरीन झांकी यहाँ पे देखने को मिल रही है माता शेरावाली की। माँ शेरावाली वध कर रही है महिषासुर का। जितनी भी बुराइयाँ है उनका नाश हो रहा है, अच्छाई की जीत हो रही है। शानदार संदेश दिया गया है इस झांकी की ओर से कि वो शानदार झांकी यहाँ पे दरगाह पे, दरगाह से निकल रही है शेरों पे सवार शेरावाली। काफी शेरों पे सवार है शेरावाली, माँ शेरावाली। खुशकिस्मत ये है कि चेटीचंद का जुलूस भी है और आज इसे नवरात्रों की भी स्थापना हुई है, नवरात्रे भी शुरू हुए हैं यहाँ पे। माँ शेरावाली की बहुत ही सुंदर झांकी थी यहाँ पे, आपने देखी नवरात्रे भी शुरू हुए हैं। जायरीन और देखिए कितनी अच्छी तरीके से देख रहे हैं जुलूस को, कितना पसंद कर रहे हैं जुलूस को। एक तरफ यहाँ पर आप देख रहे हैं चादर जा रही है, ख्वाजा गरीब नवाज के उर्स चल रहा है, इसमें चादर पेश होने जा रही है। एकता का संदेश दिया गया है यहाँ पे।
सत्तार। देखिए किस तरीके से जाहिरों की ओर से इस पल को कैद किया जा रहा है, फोटो खींची जा रही है, इस पल को कैद किया जा रहा है। जाहिरीन बहुत ही खुश है और इसको कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, देखिए कितना बढ़िया लगा जलूस में आकर के। बहुत ही अच्छा लग रहा है। और कौन सा जलूस लेके आ जाओ? बहुत ही देखे है, अच्छा लग रहा है। क्या मानते हैं एकता का शहर है यहाँ पे? हाँ? एकता का पैगाम दिया जाता है? हाँ, नहीं बहुत पैगाम होता है। कहाँ से बोले? हर इंसान का पैगाम होता है, अच्छा लगता है। कहाँ से आया? जाहिरों की भीड़ जलूस देखने के लिए कितनी उत्साहित है, बहुत खुशी खुशी सारे जलूस देख रहे हैं। पूरे परिवार के साथ जाहिरीन आए हैं यहाँ पे और जलूस देख रहे हैं और अपने मोबाइल में इस कैमरे को, इस पल को कैद कर रहे हैं और बहुत अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। यहाँ पे जितने भी जाहिरीन है यहाँ पे खड़े होके बहुत ही जलूस देख रहे हैं। शायद ही इतने सालों में पहली बार ऐसा मौका आया है जब चेटीचंद का जुलूस भी निकल रहा है और उर्स का मौका भी है, उर्स भी यहाँ पर शुरू हो गए हैं और चेटीचंद का जुलूस भी यहाँ पे निकला जा रहा है। जुलूस पहुँच चुका है धान मंडी और आप देख रहे हैं ऊपर शिव परिवार की झांकी बड़ी ही सुंदर सजाई गई है। शिव परिवार की झांकी बहुत ही शानदार झांकी है। बीचों बीच लोगों जितने भी जाहिरीन आए हैं और जितने भी जुलूस में आए हैं सबका मन हो रही है यहाँ पे झांकी। नीचे देखिए झूले लाल की झांकी है और ऊपर शिव परिवार। देखिए अपने बच्चे को कंधे पे बैठा के जलूस दिखा रहे हैं, नन्ही सी बच्ची है उसको जलूस दिखाया जा रहा है यहाँ पे कंधे पर बैठ। यहाँ देखिए दिल्ली गेट पे पूरा परिवार अपनी फैमिली के साथ आए हुए हैं, सारे बच्चे सारे बड़े यहाँ पे चेटीचंद का जुलूस देखने और सब खुशी से यहाँ पे उत्साहित है और सब अपने चेटीचंद के जुलूस को एंजॉय कर रहे हैं।